हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिट्रोजोल टेबलेट की। लिट्रोजोल टेबलेट इनफर्टिलिटी के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, इसके अलावा ये ट्यूमर के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आज इस वीडियो में इस टेबलेट की पूरी जानकारी देखेंगे, इसके और भी क्या क्या उपयोग हैं, कितना डोज लिया जाता है और किस किस ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है ताकि हम खरीद सकें, इस टेबलेट का काम करने का तरीका क्या है, किन किन अदर दवाइयों को इसके साथ लेने से ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट सामने आते हैं और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है इस टेबलेट के, तो ये सारी जानकारी देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। लिट्रोजोल टेबलेट का उपयोग बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसके बाद मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन की मात्रा फीमेल में बढ़ जाती है तो ट्यूमर होने का खतरा होता है, तो ऐसी महिलाओं में जो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। अगला जो उपयोग है, कभी कभी पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो उनमें भी इस टेबलेट को दिया जाता है। और इस टेबलेट को देना तभी डिसाइड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा जब बायोप्सी सेल्स के अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर को शो करती है, तब उन्हें भी इस टेबलेट को दी जाती है। अब लिट्रोजोल टेबलेट के कुछ ब्रांड नेम देख लेते हैं। कुछ फेमस ब्रांड नेम है जैसे लिट्रोज है, फेमप्रो है, लेट्रोजीव है, लेट्रोमिट्स, लेट्रोबेस और लिटो वन, ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांड नेम हो सकते हैं। लिट्रोजोल टेबलेट की अगर डोज की बात करें तो लिट्रोजोल टेबलेट की 2.5 एमजी की टेबलेट को दिन में एक बार लेना है। डेली एक टाइम डिसाइड कीजिए, उसी टाइम पर डेली आपको लेना है। इस टेबलेट को खाने के साथ और खाने के बाद भी ले सकते हैं। ये टेबलेट पीरियड के 3 डेज से 7 डेज तक लेनी होती है। आपको डॉक्टर जिस तरह से कहते हैं उस तरह से लेना है। लिट्रोजोल टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट देखेंगे। बोन पेन हो सकता है यानी हड्डी में दर्द हो सकता है। इसके बाद मसल्स, लिगामेंट और हड्डी का दर्द हो सकता है। कमजोरी आ सकती है, एडिमा हो सकता है, हेडेक यानी सर दर्द, चक्कर आना, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लिट्रोजोल टेबलेट से संबंधित कुछ वार्निंग दी गई है एक्सपर्ट के द्वारा। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है यानी हड्डियों की कमजोरी है या हड्डियाँ पतली है या बोन फ्रैक्चर है या आपको लीवर की कोई डिसीज़ है या किडनी की डिसीज़ है या किडनी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो लिट्रोजोल टेबलेट लेने से आपको टेंडन इंजरी हो सकती है। और अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है तो आप आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करें। इसके बाद अगला जो वार्निंग है कि लिट्रोजोल टेबलेट को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं तो उनको लेने से बचना है। लिट्रोजोल टेबलेट से ड्रॉजीनेस और डिजीनेस होता है, इसलिए आपको ड्राइविंग करने से बचना है या ड्राइविंग करते समय अलर्ट रहना है। लिट्रोजोल टेबलेट बच्चों से बचा के रखना है। इस टेबलेट के साथ में अल्कोहल को नहीं लेना है क्योंकि आपकी नींद और चक्कर को बढ़ा सकती है। आपके डॉक्टर को आप जरूर इन्फॉर्म करें अगर इस मेडिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी गंभीर समस्या देखने को मिलती है या साइड इफेक्ट बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आपके डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें। लिट्रोजोल टेबलेट के मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। लिट्रोजोल टेबलेट अरोमाटेज इनहिबिटर्स क्लास की ड्रग होती है और ये लेडीज में यानी महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन को एस्ट्रोजन में बदलने से रोकती है। इसके बाद ये जो दवाई है वो एस्ट्रोजन के जो निर्माण है उसको भी रोकता है। इस तरह ये ट्यूमर के डेवलपमेंट को भी रोकने में मदद करती है। लिट्रोजोल टेबलेट की कुछ ड्रग इंट्रैक्शन है। अगर इस टेबलेट के साथ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेते हैं जैसे सिटालोप्राम है, एसिटालोप्राम है, एंटी कैंसर कुछ ड्रग हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ होती है जैसे टेमोक्सिफेन है, इसके साथ ये ड्रग इंट्रैक्शन कर सकती है। कुछ एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, एनास्ट्रोजोल है, तो ये सब दवाइयाँ इसके साथ में नहीं लेना चाहिए। लिट्रोजोल टेबलेट के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं यानी इस टेबलेट को हमें कब कब नहीं लेना चाहिए।
अगर आपको हिपेटिक इम्पायरमेंट है, लीवर की कोई डिसीज है या इससे रिलेटेड कोई समस्या है, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, प्रेगनेंसी है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इनको इस टेबलेट को लेने से बचना चाहिए। दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास जानकारी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जिन्हें जरूरत है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।